हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे दिलीप के बारे में। तो रिसेंटली केविन फैगी ने एक स्टेटमेंट दिया दिलीप एंड द स्नैप के बारे में, तो उसी को लेकर बहुत जन कंफ्यूज है, तो उसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी देखी ली होगी, तो उसमें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट को ऑफिशियली नेम दिया गया है। और ये एक ऐसा नेम है जो किसी भी फैन ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन बहुत फैन सोच रहे थे कि दिस स्नैप होगा, लेकिन मूवी के जरिए बताया गया है द ब्लिप। वैसे ये दोनों भी आंसर राइट है, यानी कि करेक्ट है और ऑफिशियल है। तो रिसेंटली केविन फैगी ने एक्सप्लेन किया फैंडांगो वालों को द ब्लिप एंड द स्नैप के बारे में। उन्होंने बताया कि आप लोगों ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के एंड में देखा ही होगा कि सारे लोग डिसअपियर हो जाते हैं, तो उसे कहा जाएगा द स्नैप। और आप लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम के एंड में देखा ही कि सारे लोग वापस आ जाते हैं, तो उसे कहा जाएगा द ब्लिप। आप लोग ब्लिप का मतलब समझ ही गए होंगे, यानी कि गायब होके वापस आ जाना, यानी कि बंद होके चालू हो जाना। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑफिशियल डेफिनेशन दिया है केविन फैगी सर ने। और आप लोगों ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के स्टार्टिंग में देखा होगा स्नैप का रेफरेंस। आप लोगों ने फ्लाइट में देखा होगा एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री जिसका नाम था दिस स्नैप, और पीछे इन्फिनिटी गॉन्टलेट का कवर था, जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीनशॉट देख रहे हो, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। और आप लोग ये स्क्रीनशॉट में नोवा भी देख सकते हो लिखा हुआ है। तो नोवा एक साइंस का सब्जेक्ट है, ना कि नोवा का रेफरेंस दिया गया है। ये मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज थे, कह रहे थे कि नोवा का रेफरेंस मिला है, नोवा का रेफरेंस मिला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में दो चीज कवर कर लूँ, नोवा का स्क्रीनशॉट भी, यानी कि ये स्क्रीनशॉट है, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में दो चीज कवर कर लूंगा। और बहुत लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, उन लोगों को पता भी लग जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग दी स्नैप दी ब्लिप और ये नोवा का जो रेफरेंस नहीं है आप लोग समझ गए होंगे। और बस हम कुछ ही दिन दूर है कॉमिक कॉन से। उम्मीद है फेस वॉर के बारे में मार्वल स्टूडियोज वाले कॉमिक कॉन ने बताए, उम्मीद है, लग रहा भी है मुझे। देखते क्या होता है, क्योंकि वो एक कंपनी है, कुछ कह नहीं सकते, प्लान्स रहते हैं वो लोगों के, चेंज करते एंड टाइम पे, कॉमिक कॉन पे नहीं बताए, कुछ और चीज बताए, तो वैसे कुछ भी हो सकता है। बस इंतजार नहीं हो रहा है, मैं तो वेट कर रहा हूँ कॉमिक कॉन कभी आए, बस थोड़े दिन की दूरी पे वेट करना पड़ेगा, कुछ भी हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ गया होगा ये वीडियो का मतलब, यानी कि दी स्नैप एंड दी ब्लिप के बारे में अच्छे से। तो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर करो, और कोई न्यू बंदा या बंदी हो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलिए। गाइस, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैंने मेरी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को शेयर करो, एमसीयू मास्टर मालूम है ना।